ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವುಳ ಸೋಡುನ ಭಕ್ತಾಧರಿ ಆಲಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವುಳ ಸೋಡುನ ಭಕ್ತಾಧರಿ ಆಲಾ ಸಂತ ಸಖು ಸಾಟಿ ಬಗಾ ದೇವ ಸಖು ಝಾಲಾ ದೇವ ಸಖು ಝಾಲಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವುಳ ಸೋಡುನ ಭಕ್ತಾಧರಿ ಆಲಾ ಸಂತ ಸಖು ಸಾಠಿ ಬಗಾ ದೇವ ಸಖು ಝಾಲಾ ದೇವ ಸಖು ಝಾಲಾ. रुक जाओ, हम यहाँ लड़की देखने आए हैं. तो क्या हुआ, ये तो हमारी रीत है. ये देखो, ये सब आप अपने पास ही रखो. हमारे घर क्या कम है आपके पास खाने पीने के लिए? अरे ऐसे क्या कर रहे हैं, ये तो रीत है, उनका अपमान क्यों करते हो? आप चुप बैठिए, हमें खाना पीना देकर कोई अपाहिज लड़की बांध देंगे हमारे बेटे के गले में. लड़की को बुलाओ जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है. हाँ अभी लाती हूँ. हाँ बोलिए, शादी में कितना सोना देने वाले हो आप? पहले एक बार लड़की को देख तो लेते, फिर सब तय करेंगे. पहले आप कितना दोगे यह सुनने के बाद ही लड़की देखूंगी मैं. सखो हमारी इकलौती है, जो भी है सब उसी का ही है. एक बार उसकी शादी हो गई तो हम सब कुछ उसे दे देंगे, यानी घर बार खेती बाड़ी जेवर वगैरह ये सब उसे देके हम दोनों वानप्रस्थाश्रम में जाएंगे. ये देखो पंचों के सामने ये सब आपको लिख के देना पड़ेगा. अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे, ये व्यवहार है क्यों? रुको, तुम्हें बैठने के लिए कहा है, चल के दिखाओ. घर के सारे काम सिखाए हैं ना माने? देखिए हमारी बेटी होशियार है, अन्नपूर्णा है और देव भक्ति है. आपकी बेटी बोल सकती है ना, या गूंगी है? मुझे सब कुछ आता है, माता पिता ने अच्छे संस्कार किए. अरे सुना क्या, लड़की गूंगी नहीं है, अब तो ले लीजिए. लीजिए लीजिए, आपसे पहले हम कैसे ले सकते हैं? लीजिए. भगवान के लिए ये जगह अच्छी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं. इस घर में ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं. ऐसा क्यों? मेरी माँ बिल्कुल नास्तिक है, उसे ये सब नहीं चलेगा. कुछ भी. अब तुम्हें कैसे समझाऊं, हमारे घर में तो मंदिर भी नहीं है. जिस घर में देवघर ही ना हो वो घर कैसा? पर मैंने अब वो कमी भर दी है. अब तुम्हें कैसे समझाऊं मैं, यहाँ ये सब नहीं चलता.
भगवान के सिवा, श्री कृष्ण के सिवा मेरा काम नहीं चलता। और मेरे घर में मेरे दादाजी, मेरे माता पिता, हम सब लोग ईश्वर के उपासक हैं। अरे वो सब तुम्हारे मायके में, यहाँ पे ऐसी प्रथा नहीं है। रहने दो, मैं शुरू करूंगी। और भक्ति के लिए प्रथा की क्या जरूरत? सखू, ए सखू। आई आई। आती हूँ, माँ जी बुला रही है। सखू, ए सखू। कहिए ना। क्यों, क्या बातें कर रही थी अपने पति के साथ इतनी देर? यहाँ के काम कौन करेगा? नहीं, मैं आ ही रही थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब काम हो जाएंगे। अरे वाह, चिंता मत कीजिए। हाँ सच में? हाँ नहीं करूंगी चिंता। तुम नए नए गहने पहन के घूमो, आराम करो, यहाँ के सारे काम अपने आप हो जाएंगे। यही सिखाया क्या तेरे माँ बाप ने? मेरे माता पिता ने मुझे सबका आदर करना सिखाया है। अच्छा, तो उतार दो सारे गहने और खाने पीने का देखो जरा। तुम्हारी पूजा करने नहीं लाया तुम्हें यहाँ, इस घर में काम करने वाले को ही खाना मिलता है, समझी? आज से सारे नौकर निकाल दिए हैं मैंने, तो सुबह नदी से पानी लाना पड़ेगा, खाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना तुम्हें ही करना पड़ेगा। सभी काम वक्त पर होने चाहिए, और इन कामों में कोई गलती हुई तो कोड़े से मारूंगी तुम्हें, याद रखो। जाओ काम करो। बेटी बुरा मत मानना, सोने को गहना बनने के लिए ज्वाला से गुजरना पड़ता है, उसे कोई क्या करे। लेकिन तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं।
हाँ सखू, मैं मेरे भक्तों की पुकार सुनता हूँ। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। हाँ सखू, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। भगवान, आप जब तक मेरे साथ हो, मैं कितना भी दुख कितनी भी पीड़ा सहने के लिए तैयार हूँ। सखू, देव देवताओं को भी दुख की सत्व परीक्षा देनी पड़ती है। डरो मत, मुझे पुकारो, मैं तुरंत आऊंगा। भगवान, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए, उसके लिए मैं कौन सी भी सत्व परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता हो। हम सब पर आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही रखना। Thank you.
जय काली महाराज ये काला जादू करती हैं। अरे फेंके हुए चीज फिर से जगह पे कैसे आ जाती है? नहीं बेटा नहीं, ये काला जादू नहीं, ये पुराने कुएं की डायन है। डायन महाराज 10 बोरी अनाज देता हूँ, लेकिन हमें इस संकट से निकालो। डरो मत बेटा। मेरा नाम काला मुंजा है। पिशाच से उनके भूत प्रेत इनका काल हूं मैं। मुझे देख के सब डर जाते हैं। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माजी ये काला जादू वगैरह कुछ नहीं है माजी, ये सब मेरे ईश्वर की कृपा है माजी। तुम चुप बैठो, अब महाराज ही तुम्हारी सारी कृपा बाहर निकालेंगे। हाँ जय आज्ञावेतार। ए डायन जय काली माता। क्या चल रहा है? अजी उसे भूत बाधा हुई है, उतरनी तो पड़ेगी ना। दिमाग ठिकाने पर है आपका, पहले खुद का इलाज कीजिए। खबरदार, वापस यहाँ दिखे तो इसी कोड़े से मैं तुम्हें मारूंगा। जाओ। क्या? अरे ये क्या चल रहा है सब कुछ? आधी रचिली पंढरी मग वैकुंठ नगरी। विठाला 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 विठ
क्या हुआ बेटी? मैं चलूं आपके साथ पंढरपुर? हाँ हाँ बिल्कुल, शायद पांडुरंग ने ही तुम्हें बुलाया है। अरे तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें ना क्यों कहूंगा। चलो चलो, मैं भी आता हूँ साथ में। माँ, तुम्हारा उपवास है क्या? कैसा उपवास? तो फिर केले क्यों खा रही हो? केले खाने का और उपवास का कोई संबंध है क्या? पागलों जैसी बातें मत करो, पागल कहीं का। महाराजा भाई, ये लो अपनी घागर। हमारी घागर? सखू कहाँ है? आपकी बहू चली गई पंढरपुर। क्या? ये घागर मुझे देखकर कहने लगी, मैं चली पंढरपुर विठ्ठल से मिलने, गई बुआ के साथ। अरे पागल, यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और उसका हाथ पकड़कर घसीट के लेके आओ उसे। हे भगवान, इसने तो हमारा मुंह काला कर दिया। अरे पागल, देख क्या रहा है, उठ उठ जा, लेके आओ उसे। अब तुम क्यों रुकी हो गया ना साहब, चलो जाओ। विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, पांडुरंगे मिठाबाई माझे पंढर। मेरी बात सुनिए, मुझे जाने दो पंढरपुर। चल अंदर, चल 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 चल। हाँ पंढरपुर जाना है तुम्हें? हाँ, उस बुआ का हाथ पकड़ कर जा रही थी और पंढरपुर जाना है, हैं? मारो उसको, हाँ? अच्छी तरह से, हाँ? पीटो, हाँ? चल चल। हाँ, घराने के इज्जत का तो ख्याल करती। हाँ चल। अरे देख क्या रहे हो, जाकर बड़ी सी रस्सी ले आओ, बांध के रखती हूँ इसे, देखती हूँ कैसे बाहर जाती है, इसके सब नखरे बंद कर देती हूँ। चल चल अंदर, चल पकड़ो, कस के बांधो इसे। हाँ इसे कुछ देने, अरे कस के बांध क्या कर रहा है, ये ले इसे, खाना पीना कुछ नहीं देना चाहिए। हाँ समझे? अरे माँ, ऐसे क्यों कर रही हो? चुप बैठ, मैं क्या कहती हूँ वो सुन ले पहले, रोना धोना सब बंद कर दे तेरा। हाँ हाँ, कस के बांध, कस के बांध। ए चुप बैठ। हाँ हाँ, कहाँ रस्सी? हाँ रस्सी पकड़, ला इधर। हाँ और सुन, एक अच्छा सा बड़ा सा ताला लेके आ, हाँ, और दरवाजे पे लगा दे, कैसे और कहाँ जाती है देखती हूँ। हाँ बहुत नखरे हो गए तेरे। हाँ पंढरपुर चलिए बुआ के साथ। ए चलो। हाँ हो गया क्या? चलो ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ बड़ा सा ताला लेके आओ। हाँ भगवान, आप इतने चिंतित क्यों हो? रुक्मिणी, मेरी प्रिय भक्त सखू को पंढरपुर जाना है, परंतु उसके सास ने और उसके पति ने उसे बांध रखा है, वो कठिनाई में है। भक्तों की सहायता करना ये तो आपका व्रत है, सखू के कठिन समय में आप कुछ नहीं करोगे? लेकिन रुक्मिणी मैं क्या करूं? कुछ भी करो, पर सखू की पंढरपुर की वारी होनी ही चाहिए, आप उसकी वहां से मुक्तता करो। ठीक है रुक्मिणी, तुम यही रुको, मैं स्वयं जाता हूं और उसको छुड़ाता हूं। पांडुरंग देवुळ सोडुन भक्ता घरी आला, पांडुरंग देवुळ सोडुन भक्ता घरी आला, पांडुरंग देवुळ सोडुन भक्ता घरी आला। मैं विठाबाई दिंडी के साथ थी, तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ लेके आया, सबको बहुत बुरा लगा। विनयकारी बुआ ने कहा सखू को ले जाएंगे पंढरपुर को, तो मैं तुम्हें लेने आ गई। मैं
नहीं जा सकती। क्यों नहीं, मैं छोड़ूंगी तुम्हें, अच्छे से जाओ दिंडी के साथ। और आप? मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। संत सखु साठी बघा, देव सखु झाला, देव सखु झाला। जाओ जल्दी, पांडुरंग देवुळ सोडून भक्ता घरी आला। परिपुण्यवान मोठी सखु गेली वाळवंटी, घरी राबतो जग जेठी, घरी राबतो जग जेठी। स्वये विठा बाई सखु घरी बांधली खांबाला, स्वये विठा बाई सखु घरी बांधली खांबाला। संत सखु साठी बघा, देव सखु झाला, देव सखु झाला। संत सखु अरे ये चल क्या रहा है? खाने की तैयारी कर रही हूँ, देख रहे हो ना? खाना खाना है ना आपको? क्या चल रहा है पूछ रहे? अरे उसका नहीं कह रहा हूँ। तो? ये आप कर रहे हैं वो बराबर नहीं। क्या कहा? अरे उस सखू को भूखी रखकर पीड़ा देना बराबर नहीं। ऐसा क्यों? आपको क्यों उस डायन की इतनी चिंता हो रही है? हा? बताता हूँ। अरे वो अपना घर छोड़ के आई है, ऐसा छल करना बराबर नहीं। अब ये आप मुझे सिखाएंगे क्या? ये देखो मैं जो कर रही हूँ वो सही है। आप चुप बैठो जरा, चुप बैठो। अरे वो आपको योग्य लग रहा है? अरे कल अगर उसने अपनी जान देने की कोशिश की तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी हमें? माँ, पिताजी बोल रहे थे वैसे हुआ तो हमें सूली पे चढ़ा देंगे। सच है, उसने अगर जान दे दी तो कह देंगे फिसल कर गिर गई, पर अगर बिना खाए पिए मर गई तो? नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, तुम उसे खाना दे के आओ। हाँ जाओ। मैं? हाँ तुम, पति हो ना उसके, चलो जाओ जाओ। ऐसे में भी हंस रही हो तुम? मैं ही पापी हूं, दुष्ट हूं, बिना वजह तुम्हें कष्ट दिया। अब से मैं मां की एक भी नहीं सुनूंगा। रुको मैं रस्सी खोलता हूं। भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ चलो दोने वाले खा लो। जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं अर्धांगी नहीं हूं आपकी, आप पहले खाइए। अच्छा है हाँ? अरे पागल मूर्ख, वो मर जाएगी इस डर से तुम्हें उसे खाना देने के लिए कहा था ना?
और तुम ही उसके हाथ से खाना खा रहे हो। रुको, मैं ही देखती हूँ इसे, इसे ऐसा सबक सिखाती हूँ ना। देख क्या रहा है, उठ। हाँ मेरी सखू बेटी, भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ मेरी प्यारी बहू, मैंने बहुत छल किया ना तुम्हारा सखू, पर अब मैं वैसा बर्ताव नहीं करूंगी। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना तुम वारी को? हाँ मेरी प्यारी बहू, मेरी प्यारी बहू। विठल रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई, विठल रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई, विठल रखुमाई। पांडुरंग देवुळ सोडुन भक्ता घरी आला, पांडुरंग देवुळ सोडून भक्ता घरी आला। संत सखू साठी बघा देव सखू झाला, देव सखू झाला। संत सखू साठी बघा देव सखू झाला, देव सखू झाला। पांडुरंग, मेरे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के लिए मुझे कितना कुछ सहना पड़ा, पर अब मैं तुम्हें शरण आ गई, धन्य हो गई। मुझे मुझे इस मोह माया से मुक्त होना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों में आसरा दे दो। मुझे मुझे तुम्हारे चरण छोड़कर कहीं नहीं जाना, मुझे आपके चरणों में आसरा दे दो। अरे कब से भगवान के पैर पकड़ के बैठी है, उठाओ उसे, उठाओ। अरे हमें भी दर्शन लेना है तो। अरे हम उसे पहचानते हैं, बहुत दूर से आई है वो, समाधान से दर्शन लेने दो उसे। अरे बुआ लेकिन कितनी देर, बाकी भी रुके हैं। सखू बेटी, सखू बेटी उठो, उठो सखू बेटी, हम दो दिन रहने वाले हैं यहां, फिर से आएंगे दर्शन के लिए। सखू बेटी, सखू बेटी, सखू बेटी। सखू, सखू बेटी, अब तुम्हारे घर वालों को मैं क्या बताऊंगा, बड़ी नसीबवान हो, भगवान के चरणों में मृत्यु आ गई तुम्हें, पुण्यवान हो, भाग्यवान हो सखू। Mm-hmm.
अजी रुक्मिणी, तुम मंदिर छोड़ के तुम यहाँ कैसे? पंढरपुर में गड़बड़ हो गई। क्या हुआ पंढरपुर में? भगवंत ये क्या पूछते हो? सखू पंढरपुर में वैकुंठवासी हो गई, अब हम क्या करें? और उसके रूप में आप यहां आकर बैठे हो। सच है रुक्मिणी, सखू के आने तक उसकी जगह मैं ले लूंगा और उसके आते ही मैं लौट जाऊंगा, ऐसा तय था। लेकिन अब तो गड़बड़ हो गई। लेकिन इस पर उपाय क्या? एक ही रुक्मिणी, एक ही, सखू को तुम्हें लाना होगा, उसके बिना मेरा छुटकारा नहीं। आओ बुआ आओ। कब लौटे पंढरपुर से? कैसी हुई वारी? अगली बार मैं भी आऊंगी हाँ पंढरपुर, विठोबा के दर्शन के लिए। बैठिए ना, बैठिए। मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। नहीं नहीं, सच में हमें कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ कहना था आपसे। कहिए ना। आखिर हमारे हाथ में क्या है? कर्ता धर्ता वो परमेश्वर ही तो है। एकदम सही कहा बुआ। अरे सखू हमारे घर आई और उसने इस घर के विचार, इस घर का रूप ही बदल दिया। सच है, भगवान के चरणों में उसे ही स्थान मिलता है जो भगवान को प्रिय है। सखू के साथ भी वही हुआ। हमारी सखू है ही इतनी अच्छी। है मतलब? है मतलब कहाँ है? वो अंदर पूजा कर रही है। बहू नहीं, बेटी है वो मेरी। बेटी की कमी पूरी कर दी उसने। ये क्या कह रही है आप? सखू अंदर है? ये कैसे हो सकता है? चाहिए तो पूछिए इनसे। मैंने अपने हाथों से अग्नि दिया है उसे पंढरपुर में। क्या सुबह सुबह क्या अनाप शनाप बोल रहे हो आप? हम क्यों झूठ बोलेंगे? चलो दिखाती हूँ आपको, आओ अंदर मेरे साथ। सखू अब पल भर भी यहां मत रुको, जाओ घर जाओ। तुम्हारा रूप लेकर प्रत्यक्ष पांडुरंग तुम्हारे घर काम कर रहे हैं, जाओ उन्हें मुक्त करो। मेरा विठल सखू के लिए स्वयं सखू बन गया, मेरे काम कर रहा है। हाँ सखू, अब और देर मत करो, अन्यथा भगवान फंसे रहेंगे। जाओ घर जाओ और उन्हें मुक्त करो। आइए बुआ आइए। अरे मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी और वो वहाँ पूजा कर रही थी, और आप ऐसे क्या कह रहे हो कि आपने उसे वहाँ देखा? हाँ हाँ हाजी। अरे आश्चर्य है, अभी मैंने सखू को यहाँ बैठा हुआ देखा। हाँ? ये सब क्या है? मेरे साथ पंढरपुर में थी वो सखू थी, मैंने जिसे अग्नि दिया वो सखू थी, फिर यहां थी वो सखू कौन थी? माजी। सखू अरे तुम कहाँ थी और यहाँ? यहाँ स्वयं विठल था। हाँ।
मैं पंढरपुर जा सकूं इसलिए साक्षात विठ्ठल मेरा रूप लेके यहाँ काम कर रहा था। मुझे वहाँ मृत्यु आई लेकिन भगवान की कृपा से मैं वापस आई। साक्षात परमेश्वर मेरे घर में रह रहे थे और मैं मूर्ख उन्हें पहचान न पाई। मैंने उन्हें मारा पीटा। हे भगवान, मैं इन पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? वाह, भक्त हो तो ऐसा। बुआ, सखू के लिए विठ्ठल सखू बन गया। सखू, सखू तुम संत सखू हो, विठ्ठल की कन्या हो। चलो अब हम सब पंढरपुर जाकर विठ्ठल का दर्शन लेते हैं। हाँ चलो। बोला पुंडलीक वरदार विठ्ठल। विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल नाद विठ्ठल भेद विठ्ठल छंद विठ्ठल, विठ्ठल नाद विठ्ठल भेद विठ्ठल छंद विठ्ठल, विठ्ठल सुखा विठ्ठल दुखा, विठ्ठल सुखा विठ्ठल दुखा, दुखया मुखा विठ्ठल, विठ्ठल 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 बोला, विठ्ठल विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल। Let me go.